अब चंद्रग्रहण का काल हुआ खत्म, जल्द निपटा ले ये सभी काम। चंद्रग्रहण का दोष करे दूर, 1 घंटे 19 मिनट के बाद अब चंद्रग्रहण की काली छाया का समापन हो चुका है। चंद्रग्रहण खत्म होने के तुरंत बाद कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें जल्द से जल्द निपटा लेने चाहिए। ज्योतिष में कहा गया है कि उन कामों को करने से चंद्रग्रहण और सूतक काल दोनों का दोष पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब जबकि चंद्रग्रहण खत्म हो गया है, तब आप भी वो सारे कामों को जल्द निपटा लें जो कि इसके बुरे प्रभाव से आपको दूर रखेगा। सवाल ये है कि आखिर कौन कौन से वो काम हैं जिन्हें चंद्रग्रहण की समाप्ति के बाद कर लेने चाहिए, तो चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं इस बारे में सब कुछ। चंद्रग्रहण समाप्त होते ही सबसे पहले तो अपने घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए, इसलिए अब वक्त है कि आप अपने घर में झाड़ू पोछा लगा लें। ज्योतिष के मुताबिक इससे चंद्रग्रहण की वजह से जो नकारात्मक ऊर्जा फैली है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ज्योतिष की ही माने तो चंद्रग्रहण का असर इंसानों के साथ जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। चंद्रग्रहण अब खत्म हो गया है तो जल्द से जल्द सभी को स्नान कर लेना चाहिए। याद रहे, आप जिस पानी से भी नहाने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर डाल ले। नहाने के बाद अपनी पूजा स्थल को भी गंगा जल से शुद्ध कर ले। उसके बाद देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों पर भी गंगा जल का छिड़काव करें। पूजा करने से पहले अपने आंगन के तुलसी के पौधे पर भी गंगा जल का छिड़काव कर दें। चंद्रग्रहण शुरू होने से पहले आपने जो अपने खाने पीने की चीजों पर तुलसी दल और कुश रखे थे, अब उन्हें हटा लें, क्योंकि मान्यता ये है कि तुलसी दल चंद्रग्रहण की सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप में समेट लेती है। ऐसे में चंद्रग्रहण खत्म होते ही तुरंत इसे हटा लेना चाहिए। तुलसी दल और कुश को हटाने के बाद खाने पीने की चीजों पर भी गंगा जल का छिड़काव जरूर कर दें ताकि वो शुद्ध हो जाए, फिर उसके बाद ही भोजन करें। ज्योतिष में ये भी मान्यता है कि चंद्रग्रहण के खत्म होने के तुरंत बाद भगवान का दर्शन जरूर करना चाहिए, इसलिए अब आप देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। इन सब के अलावा मान्यता ये भी है कि चंद्रग्रहण खत्म होने के तुरंत बाद दान जरूर करना चाहिए। ऐसे में आप भी लाल कपड़ा, गेहूं, चना, नमक, गुड़, रुई, सोना, तांबे के बर्तन वगैरह, इनमें से किसी एक वस्तु या फिर सबका अपने शक्ति के मुताबिक दान जरूर करें। बताए गए इन सभी कार्यों को जल्द से जल्द निपटाने के बाद आप चंद्रग्रहण के दोष से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। ज्योतिष ये कहता है कि